गाइस खाना आ गया। ये देखो भटूरे कितने टेस्टी लग रहे हैं। यश भाई लपेटेंगे अब, ये अपने प्रिंस भाई है भाई। पिछले व्लॉग में पूरा नहीं हो पाया था भाई, यार सपना चला गया था बीच में, तो आज ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेंगे। इसमें कैमरे में देख रहा है, पता पड़वा होगा। अभी भी अंडररेटेड प्लेस नहीं है, हरदम यहाँ पे वैसे ही चहल पहल रहती है। ये सामने स्टूडेंट सेंटर है, ये देखिए कैसे अलांटे जा रहे हैं इधर ना। हाँ भाई ठीक है, अलांटे मिलते हैं। तो हर्ष तेरे क्या क्या प्लान है ये बता दे। देखते हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, घूमने चलेंगे कहीं पे। हाँ पहाड़ों में, पहाड़ों में बिल्कुल। अच्छा क्या खिला क्या। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो कैसे हो यार आप सब लोग, काफ़ी दिन हो गए आपसे बातें किए बिना, है ना। थोड़ा सा बिजी हो गया था काम, थोड़ा एक पेपर वेपर लिख रहा था यार, तो बस ऐसा ही था, पेपर सारा कुछ लिखा भी नहीं गया। एनीवे बोर नहीं करूँगा आपको रिसर्च की बातें करके। तो आज एक हमारा बहुत पुराना मित्र आया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड एक अपना चंडीगढ़ में ही जो छोटा भाई है वो रहते हैं, तो ये है हमारे बहुत पुराने दोस्त मिस्टर हर्ष प्रकाश खटखट। हेलो हर्ष, कैसे हो। हेलो, कैसा लग रहा है मेरे व्लॉग में आके। बहुत बढ़िया लग रहा है। कभी सोचा था मेरे व्लॉग में आ पाओगे। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ, तो आपका ये लकी डे है। एंड ये साथ में है प्रिंस, थोड़ी साइड प्रोफाइल दिखा दे। हाय हाय, कैसा है। बढ़िया। काफी दिन में मिला यार, कहाँ बिजी रहता है। बस यार पेपर था, लाइब्रेरी में जाता हूँ, पढ़ाई करता ना बहुत, तो वही काफी दिन में प्रिंस से भी मिला। एंड अभी ये हमें लेके जा रहा है, कहाँ पे घुमाएगा देखो आज। तो बस वही है, पूरे दिन का दिनचर्या देखते हैं। अलांटे जा रहे हैं शायद ना। हाँ भाई ठीक है, अलांटे मिलते हैं। तो हर्ष तेरे क्या क्या प्लान है ये बता दे। देखते हैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, घूमने चलेंगे कहीं पे। हाँ पहाड़ों में, पहाड़ों में बिल्कुल। अच्छा क्या खिला क्या रहा है वो, सब कैमरा भी आएगा क्या खिला रहा है वो, आप चाहोगे वो खिलाएंगे। तो भाई ये मेरा भाई ना कई दिन से ट्रेनिंग से छूट के आया है, ठीक है, छूट के और ये कह रहा है खर्चा सब मेरा है, साले खुला खर्चा है, तुम जहाँ बोलोगे वहाँ चलना है मतलब। तो ज्यादा तो हम नहीं कराएंगे, बट आज एक तारीख भी वैसे भी इसकी सैलरी आई है, है ना, आई है। तो प्रिंस हम ज्यादा कुछ नहीं कराएंगे, पर पेट में गुड़गुड़ होगी, भूख लगेगी, तो भाई वो तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है। हाय नर्स, कैमरा पे रिकॉर्ड हो गया। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो भाई लूटते हैं आज हर्ष को, ठीक है। काफी दिन में आया है बकरा, एक हमारा भाई है वो अब्सेंट है, वो इसकी ज्यादा पर्ची काट देता है, वो पर्ची काट देता है ना 10,000 की 15,000 की, तो वो पर्ची इसकी कटी नहीं है, थोड़ा बचाव में है ये, क्योंकि अभी भी जिस जिस चीज ने भाई ने ज्वाइन किया ना, तो बाकी इसकी बड़ी पर्ची काटेंगे, है ना। और बस यार वीडियोस को ना शेयर कर दिया करो, कुछ आए नहीं था, 30-35 लाइक्स आते हैं, कई लोग मजाक उड़ा देते हैं कि यार क्या ही कर रहा है जे, तो ऐसे है ना, बट ये जो 30-35 लोग हैं ना बहुत मेरे दिल के करीब हैं, और एक दिन आप लोगों को ना मैं प्राउड फील कराऊंगा। तो बस ये बात है, वी आर वर्किंग हार्ड, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा एक्चुअली ना स्क्रिप्ट लिखने का, काम करने का, तो हम मेरा और दूसरा कंसेप्ट है उस पर काम करेंगे, जिस PhD में ख़त्म कर लेता हूँ उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स हैं यार, तो फिंगर्स क्रॉस्ड है ना, भगवान का साथ रहा तो बहुत कुछ करेंगे। तो चलो अभी बोर नहीं करते एंड ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। तो भाई खाना आ गया, ये देखो भटूरे कितने टेस्टी लग रहे हैं। यश भाई लपेटेंगे अब, ये अपने प्रिंस भाई है, मैं कैमरा के पीछे हूँ, अपा ने पाव भाजी, ठीक है, तो खा के और इसके बाद चाय पी के फिर जाएंगे लांच एक्सप्लोर करने। भाई पिछले व्लॉग में पूरा नहीं हो पाया था भाई, यार सपना चला गया था बीच में, तो आज ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे भी देख लेंगे। इसमें कैमरे में देख रहा है, पता पड़वा होगा। तो भाई अभी सुशी आए हैं थोड़ा भाई की सेवा पानी करने, ठीक है, तो विल सी कि क्या कुछ खिलाते हैं भाई हमें। एंड चाय तो हम पिला देंगे, बाकी खाना डॉक्टर हर्ष की तरफ से है, इधर लाइब्रेरी की तरफ खड़ी कर दे आगे देख। तो हर्ष भाई कैसा लग रहा है हमारे शहर में आके। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अच्छा मतलब आई एम ग्लैड टू बी हियर। ओके,
वैसे तो किसी काम से आया था लेकिन फिर आपसे मिले बिना तो कैसे जा सकता। हाँ बिल्कुल, यही तो पुराने दोस्तों की एक खासियत होती है। और दूसरा भाई, मैं भाई ने सीधा यूनिवर्सिटी ले आया हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ खाएंगे पियेंगे। हाँ, तो ये ऐसे नौकरी वाले बंदे हैं ना जो, तो इनको बेचारों को यहाँ की थोड़ा ग्रीनरी, चंडीगढ़ पूरा हरा भरा है ना, तो वहाँ तो ऐसा हो नहीं पाता ना, घूमना फिरना नहीं हो पाता, पूरे बिजी रहते हैं कुछ ऐसा। बस हम लोग ही हैं कुछ जो ऐसे प्रोफेशन में हैं, थोड़ा जैसे दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, तो फिर घूमते फिरते हैं, मौज करते हैं। अब देखते हैं आज रुकेंगे यहाँ पे, सारी दुनिया चूतिया समझ रही हूँ हमने भाई, ठीक है। लेकिन अपने अपने को क्या है, यादें संजोनी है अपनी, कल को यूके चले जाएंगे तो यही सब चीज़ें याद आएंगी, है ना। तो अभी एक स्टूसी का दिखा देता हूँ पूरा नज़ारा। तो भाई ये देखो स्टूसी, ये कभी भी अंडररेटेड प्लेस नहीं है, हरदम यहाँ पे वैसे ही चहल पहल रहती है। ये सामने स्टूडेंट सेंटर है, ये देखिए कैसे चहल, मतलब यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जो यहाँ पे पढ़ते हैं ना, उनको थोड़ा सा ये लगता है यार बोरिंग से हो जाता है, लेकिन जब हम बाहर वाले आते हैं तो हमारे लिए तो सेम वही चीज़ें होती है। भाई लोग देखो फ़ोन चला रहे हैं, और मैं स्पेशल यहाँ से चाय पीता हूँ जुड़ू वाले से। तो भाई भाई पे पूरा खर्चा कर दिया देखो। तगड़ी पार्टी है ना, बिल्कुल देख लो यार, इतना कुछ खिला रहा हूँ, चावल ठीक है, पैसे हालांकि इसी ने दिए हैं, बट लेके तो मैं आया हूँ ना। और पकवान मिल पे लोगों को ने थोड़ा सा ट्रस्ट करना बंद कर दिया, लेकिन हम फिर से ट्रस्ट कर रहे हैं इस पे। इसको नहीं बताऊंगा, नहीं तो खाएगा नहीं, तो बताता हूँ इसकी पूरी स्टोरी। बाकी कोई बात नहीं है, छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, बट काफ़ी अच्छा है, ये खाना बड़ा अच्छा है पकवान मिल्स का। और ये देख लीजिए स्टूसी का अंदर से नज़ारा। और अभी मैं थोड़ा सा चाय बोल के आता हूँ। खाना अच्छा है, है ना, अच्छा है। तो वही बताऊँगा देखो स्टोरी, एक छोटा सा इवेंट, थोड़ा बैड डेज होते हैं ना, तो बैड डेज वाली बात होगी थी इनके साथ। तो बाकी खाना देख लो यार, बहुत अच्छा है।